मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। यह डायलॉग था अमरीश पुरी की एक फिल्म में मिस्टर इंडिया। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपको सचमुच के जादूगर मोगेम्बो से मिलाया जाए? जी हाँ, वैसे तो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। और आज वॉइस ऑफ एशियंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि दुनिया के जाने माने जादूगरों में हमारे एक इंडियन जादूगर का इस टाइम नंबर वन पर नाम चल रहा है, और वो है आज हमारे स्टूडियो में जो ऑल इंडिया मैजिशियंस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, जादूगर सम्राट मोगेम्बो जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो मोगेम्बो जी, आप जादूगर कैसे बने, किस तरह से इस फील्ड में आए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैजिक जो है, जादू जो है, एक कला है, एक विलुप्त हो रही कला है जिसको हम इसको संभाल रहे हैं। बचपन से मैं जादू के क्षेत्र में हूँ, मेरे पापा भी जादूगर हैं, तो उन्हीं से हमने ये कला सीखी है। आज हम इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। करीब 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे जादू की कला को अपने को परफॉर्म करते हुए, और आज तक मैंने बहुत देश विदेश में बहुत जगह पे मैंने हर तरह के शो दिए हैं। इसी कड़ी में हम आज यहाँ पे वॉइस ऑफ एशियंस के दफ्तर में पहुँचे हैं। सुखमिंदर जी ने आज हमें निमंत्रित दिया यहाँ पे आज आपके साथ रूबरू होने का, तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो इससे पहले बातचीत को आगे बढ़ाएं, आइए देखते हैं जादूगर सम्राट मोगेम्बो जी के कुछ कारनामों की वीडियोस आपके लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम हैं दुनिया के जाने माने जादूगर सम्राट मोगेम्बो जी के साथ। आज एक बड़ी ही अनहोनी हुई, लुधियाना में लोक अदालतें थी, तो हम भी माननीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब और उनकी पूरी टीम के साथ कवरेज कर रहे थे। जैसे ही हम एक अदालत में पहुंचे तो देखा सामने वहाँ पर जज साहब के साथ मोगेम्बो जी बैठे हैं, पैनल के मेम्बर। मोगेम्बो जी, एक आज आपका नया रूप देखने को मिला, तो कैसे आप लीगल सेवाएं भी लोगों की जो करते हैं? ऐसा है जी, काम करना हमारा पेशा है, जादू कला को आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज है। काम करते करते ज़िंदगी में अपनी जिम्मेवारियां निभाते निभाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ समाज सेवा के कार्य में भी हम अपना योगदान डालें जी। तो इसी के तहत हमारी एक NGO भी है हेल्पिंग हैंड्स क्लब के नाम से, जिसमें हम सेक्रेटरी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में हमारे को जज साहब की तरफ से ड्यूटी दी हुई है जी, सोशल वर्कर की। तो उसमें हमारी जगह जगह पे तरह तरह की हमारी ड्यूटीज लगाई जाती हैं, जैसे कि आज लोक अदालत में आपने देखा हमने वहाँ पे जज साहब के साथ बैठ के जो वहाँ पे जो दुखी लोग आए थे लोक अदालत में, हमने उन फैसलों के साथ उनका सहयोग दिया, उनको निपटाने के लिए समझाने में हमारी ड्यूटी लगती है लोक अदालत में। तो तरह तरह की सोशल सेवाएं जो है हम करते रहते हैं, जितना कर पाते हैं, जितना हो सकता है उतना हम अपना योगदान समाज सेवा में जरूर डालते हैं। और पिछले दिनों आपको देखने का मौका मिला लुधियाना में, सिद्धवा नहर में भी आप मौजूद थे वहां पर सफाई मुहिम के लिए, तो इसके बारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, लुधियाना शहर हमारा अपना शहर है, अपने शहर की हम जितनी सफाई हम खुद रख सकते हैं उतना शायद प्रशासन के लिए कर पाना मुमकिन नहीं होगा। तो जब तक हम खुद सहयोग नहीं देंगे अपने शहर को साफ सफाई रखने में, तो ये शहर मेरे ख्याल से शायद साफ रहना मुश्किल है। तो हमें समय समय पर अपनी सेवाएं जरूर देनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने घर के आसपास का जो एरिया है उसको सफाई रखें, और उसके बाद जो हमारे जो शहर के जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ की जो सफाई है हमें समय समय पे अपने सहयोग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ ये करवाते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम सिद्धवा नहर में भी गए थे,
तो उसमें भी हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके मेंबर थे, जज साहब थे, जज साहब जो सेशन जज हैं गुरबीर सिंह जी वो भी हमारे साथ थे वहाँ पे, सब ने सहयोग दिया नहर को, सिद्धवा नहर को सफाई देने में। लेकिन आज एक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब भी हम उसी नहर पे गुजरते हैं लेकिन आज फिर देखते हैं कि उस नहर में वैसा ही कचरा आज दोबारा फिर से भरा हुआ है, तो देखने में दिल में बहुत दुख होता है कि जिस जगह को हमने इतनी मेहनत करके जेसीबी मशीन से लगा के सफाई करवाई थी आज वहाँ पे नहर के अंदर फिर कचरे के ढेर भरे पड़े हैं। बहुत दुख होता है इस बात से, जब तक सारे लोग सहयोग नहीं देंगे ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा, जादू के साथ साथ आप सोशल मुद्दों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत काम करते हैं। अब फिर बात करते हैं दोबारा जादू की, तो जादू में आप कौन कौन से ऐसे खेल करते हैं जो लोगों में बहुत मशहूर हैं, और जब आप कई पुराने दशकों के बीच जाते हो तो वो कहते हैं कि मोगैम्बो जी वो वाला शो दिखाओ, तो कौन से लोग ज़्यादा लाइक करते हैं? सर जादू जो है एक ऐसी कला है कि बच्चों से लेके हर उम्र तक के जो लोग हैं सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है जी। लेकिन फिर भी अपनी अपनी हर एक कलाकार की अपनी अपनी एक प्रेजेंटेशन होती है कि कोई किस चीज़ को किस अच्छे ढंग से दिखाता है, कोई किसी दूसरी चीज़ को और अच्छे ढंग से दिखाता है। तो ऐसे ही हमारी एक मैजिक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक का नाम है स्वीट्स फ्रॉम बंगाल, हिप्नोटिज्म से संबंधित है ये। उसमें क्या है, हम स्टेज के ऊपर चार पाँच बच्चों को बुला लेते हैं जी, या चार पांच लेडीज़ को बुला लिया हमने, तो उनको हम अपने हिप्नोटिक माया जाल से सम्मोहित करके उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है जी। उनको कुर्सियों के ऊपर बिठा के फिर उनसे पूछा जाता है कि जी आप कौन सी मिठाई खाओगे। अच्छा, तो वो अपनी इच्छा के मुताबिक बताते हैं जी हमने ये वाली मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे जी जी। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो हमारे असिस्टेंट हैं हम उनसे मिठाई मंगवाते हैं, एक प्लेट होती है जिसमें कोयले होते हैं। अच्छा, जलाने वाले कोयले जी जी जी। तो जो मीडिया हिप्नोटाइज करके हमने सामने स्टेज पे बैठे हैं उनसे पूछा जाता है कि जी आपने क्या खाना है, वो बोलेंगे कि जी हमने गुलाब जामुन खानी है, तो उनके मुंह में एक कोयला डाल दिया जाता है जी। तो और वो उसको चबा चबा के खाते हैं कि बहुत टेस्टी लगता है उनको। वाह। उसके बाद उनको पूछा जाता है कि जी आपने क्या खाया, तो वो बोलेंगे कि जी हमने गुलाब जामुन खाई। ऐसे ही दूसरी मीडिया को भी उसकी चॉइस पूछी जाती है कि जी आप क्या खाओगे, तो उनको भी कोयला खिलाया जाता है। जितने मीडिया बैठे हैं स्टेज के ऊपर सबको खिलाने के बाद उनका पूछा जाता है कि जी आपने क्या क्या खाया, तो वो वही बताएंगे जो उन्होंने बोला था कि जी हम ये खाना चाहते हैं। वही कोयला अगर ऑडियंस को देते हैं तो वो कोयला समझ के उसको खा नहीं पाते और फेंक देते हैं। ये होता है जी। क्या बात है, तो बहुत ही रोचक है जादू का खेल। तो कहाँ कहाँ आपने आज तक दिखाए हैं अपने जादू के खेल, और कितने जगह पे, कितने शहरों में या भारत में अलग अलग जगह या विदेशों में जहाँ बहुत लोगों ने इसको लाइक किया? जादू की कोई सीमा नहीं है जी, मैंने पूरे भारत देश में हर जगह पे हमने आज तक शो अपने दिखा चुके हैं हम जी जी। कभी जहाँ से भी हमारे को कॉल आती है हमारे शो के लिए, कभी जम्मू से कॉल आ गई, कभी दिल्ली से कॉल आ गई, कभी राजस्थान से कॉल आ गई जी, कभी हिमाचल से कॉल आ गई, कभी उत्तराकाशी में भी हमने शो दिखाए हैं उत्तराखंड में जी। हर जगह तकरीबन मैं खुद अभी गिनती नहीं कर सकता कि हमने आज तक कितने शोज दिखाए हैं या कहां कहां हमने शो दिखाए हैं। लेकिन जो हमारा जो माया जाल का जो जहाज है, हमारी जो गाड़ी है, वो आगे बढ़ती जा रही है। रोज कहीं ना कहीं शो होते हैं जहां हमारे चाहने वाले हमें बुलाते हैं, हम पहुँच जाते हैं। मोगैम्बो जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी एक पॉपुलर पर्सनालिटी के बारे में बातचीत की जाती है हमारे चैनल पे, फिर दर्शक उसको खोजना शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों की खोज मुश्किल ना हो कम से कम आपके मामले में। तो किस तरह से दर्शक आपको संपर्क कर सकते हैं, जो भी लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, जो लोग अपने घरों में, अपनी पार्टीज़ में या अपने फंक्शंस में या अपने स्कूलों में या अपनी संस्थाओं में आपका जादू का शो करवाना चाहते हैं, तो कैसे वो आपको संपर्क कर सकते हैं? अपना पता और अपना फ़ोन नंबर हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। जरूर जी, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी खोज जो है बहुत आसानी से मैं आपको हर जगह मिल जाऊँगा जी। गूगल इंटरनेट जो है आज हर एक इंसान जो है यूज़ करते हैं जी। आप गूगल पे मेरा नाम डालिए, मैजिशियन मोगैम्बो, जादूगर सम्राट मोगैम्बो, तो मेरी पूरी सर्च जो है आपको मिल जाएगी। क्या बात है। गूगल के ऊपर
एक मेरा फोन नंबर से लेके मेरे घर के एड्रेस तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेरी गुड। फिर भी एक बार फिर भी मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है, मैं सबको बता देता हूँ जी। मेरा नंबर है जी 9501069999। बिल्कुल ठीक है। और लुधियाना के कौन से क्षेत्र में आपको मिल सकेंगे लोग? मैं लुधियाना में दुगरी में रहता हूँ जी। जी जी जी, बहुत अच्छा एरिया है जहाँ बड़ी प्लांटेशन है और अर्बन एस्टेट दुगरी लुधियाना में। तो मोगैम्बो जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। और दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मोगैम्बो जी के भी हम बहुत से शोज आपको दिखाते रहेंगे। आज रात भी एक शो है, तो वो भी आने वाले समय में आपको हम दिखाएंगे और बहुत से अपडेट्स इनके आप तक पहुंचते रहेंगे, नई नई कलाएं। और आप अगर कोई जादू भी सीखना चाहेगा तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, हो सकता है उनको ये अपना शागिर्द बना लें और उनको भी कुछ गुर ज़रूर दे दें। तो मोगैम्बो जी, बहुत बढ़िया लगा आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने वाकई हमारे दर्शकों को बहुत आनंदित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं दर्शकों एक और इंटरव्यू के साथ। खबरों को, लेटेस्ट अपडेट्स को आप ज़रूर देखते रहिए और फेसबुक पे भी हम हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ भी हमसे मिलते रहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।